वो शेरपुर पहुंचा, तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में खद्दर मच गई। भैया मेरा भी राष्ट्रगान तो नहीं हुआ। अभी बचा ही क्या कुछ? लाइट तो है नहीं। लाइट नहीं है। लाइट चालू हो गई।
अरे वीडियो चलेगी क्या? के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त समय, नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर बढ़ता है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला। जब वो शेरपुर पहुंचा, तब इसका पता उमर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। एक गुर्जर थी, वो एक राजकुमार की धाई माँ थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बंजीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा न। स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। कल फोटो खींच ले, कालो तेरे लिए चीज 18। ये गाड़िया लोअर मार्केटिंग गाइस, ये हमने म्यूजियम देख लिया। ये वीडियोग्राफी वीडियो म्यूजियम था, जहाँ पर सारी फिल्म्स बताई महाराणा प्रताप की, स्पेशल मोमेंट्स की। काफ़ी एंजॉय किया हमने यहाँ पर। अब हम हमारे डे का समापन करते हुए, ट्रिप का समापन करते हुए आगे बढ़ते हुए दाल बाटी खाने जा रहे हैं। दाल बाटी 4 बजा दी हमने घूमते घूमते, सुबह से खाना नहीं खाया। अब लपक के दाल बाटी खाएंगे। दो टाइम ओ भाई साहब, चलो ठीक, बाय बाय। फिर अगला टूर चित्तौड़गढ़। अगला टूर जल्दी आएगा मॉनसून ट्रैक के साथ, जिसमें हम आपको ट्रैक बताएंगे। तो काफी है 2-5 सेकंड का। हाँ, दाल बाटी का तो वो कराएंगे साले ने।